हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अलीबाग, तो मिलते हैं आपको वहां पे। अलीबाग एक कोस्टल सिटी है जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ये मुंबई से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और पुणे से आप 140 किलोमीटर के करीब लगा लो। मुंबई से कुछ 3 घंटे लगेंगे और पुणे से कुछ 4 घंटे। तो मुंबई पुणे के लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छी जगह है, जो एक अच्छा ऑप्शन है आपको जाने के लिए। हम अलीबाग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 नाइट्स का स्टे है हमारा वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर बीचेस हैं, बहुत अच्छे फोर्ट्स हैं, तो या वील हैव अ गुड टाइम। सो अभी हम बस निकलेंगे, करीबन 8:30 बजे। सो वी आर जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव। सो अभी हम रुके हैं गोल्डन ढाबा पे, करीबन हम आधा रास्ता आ गए हैं। थोड़ा चाय पियेंगे, वड़ा पाव खाएंगे और फिर निकलेंगे, एंड फिर अगला स्टॉप अलीबाग। तो हम अलीबाग के लिए एकदम समय से अपने घर से निकल गए थे, बट रास्ते में कहीं पर क्रैश हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक है और हम अपनी डेस्टिनेशन में जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे 45-50 मिनट्स लेट हैं। बट हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं और मैं तो बहुत टाइम बाद गाड़ी में बैठी हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हम ड्राइव पर जा रहे हैं गाने सुनते हुए। हम पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी पे और ये है हमारी प्रॉपर्टी जो ऐसे काफ़ी ऐसे ग्रीन लग रही है और अभी हमारा रूम रेडी हो रहा है, तो जब हम रूम पे पहुंचेंगे तब हम आपको रूम का भी टूर जल्दी से देंगे। और यहाँ पर अंदर जाकर प्रॉपर्टी का रिसेप्शन है, पूरा उनका रेस्टोरेंट है। प्रॉपर्टी में अंदर ऐसे एक जगह है जहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये है हमारा रूम। इट्स अ वुडन कॉटेज, ब्यूटीफुल, आई एम लविंग इट। The walls look really amazing. बड़ा सुंदर बेड है। We also got a balcony. ये देखो, ये हमारी बालकनी है, यहाँ पे हम बैठ के चाय पियेंगे और बुक पढ़ेंगे। एंड सामने बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत सारी ग्रीनरी है, स्विमिंग पूल है। सो यस, वी विल हैव अ गुड टाइम। अभी हमारा खाना रेडी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अलीबाग बीच। ये अलीबाग का सबसे मेन बीच है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे।
लेट्स सी, सामने ही हमारे कोलाबा फोर्ट भी है, तो देखते हैं। थोड़ा लो टाइड लग रहा है, काफ़ी सारे लोग वॉक करके जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर हम भी जाएंगे। सो काफ़ी टाइम पहले एक इजरायली बंदा था जिसका नाम था एली। ही हैड अ लॉट ऑफ गार्डन्स फुल ऑफ मैंगोज एंड कोकोनट्स। तो लोग प्यार से इस जगह को एलीचा बाग कह के बुलाते थे। ओवर द टाइम इसका नाम अली बाग कहने लगे लोग और यही नाम पड़ गया। अलीबाग आने का बेस्ट टाइम है जनरली नवंबर टू फेब का टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी रहता है, मौसम अच्छा रहता है, तो आप अच्छे से घूम सकते हो। उसके बाद मार्च से जनरली थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो थोड़ी गर्मी हो जाएगी, तो मार्च से जून तक थोड़ा गर्म रहता है। इफ़ यू आर ओके यू कैन कम हियर। बट उसके बाद अराउंड जुलाई से फिर से मानसून शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा बीच के पास ज़्यादा जा नहीं सकोगे, तो यहाँ आने का ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, वो ऑफ सीज़न कहते हैं जनरली। बट या सो बेस्ट टाइम इज़ नवंबर टू फेब। तो अलीबाग कैसे आए? अगर आप बॉम्बे पुणे से आ रहे हैं तो बाय रोड बॉम्बे से करीबन 3 घंटे लगेंगे आपको, एंड पुणे से करीबन 4 घंटे लगेंगे। बॉम्बे से अगर एक और तरीका है, अगर आपको बाय रोड नहीं आना, तो यहाँ से M2M फेरीज चलती हैं। सो आप फेरी पे भी आ सकते हैं, उस फेरी पे अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। तो फेरी से अलीबाग पहुँचने का करीबन 1 घंटा मान लीजिए, एंड वहाँ से 20-25 मिनट जब आप फेरी से उतरेंगे तो 20-25 मिनट और लगेंगे। फेरी वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, हम लास्ट टाइम फेरी से आए थे तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इस बार हम रोड से आए हैं, बट दोनों ही एक्सपीरियंसेस मज़ेदार हैं। रोड्स का वाला फिर भी उतनी अच्छी रोड्स नहीं है, सो बट ऐसा बहुत बुरी रोड्स भी नहीं है, तो आप आ सकते हो। एक और ऑप्शन है, अगर आपको बाई ट्रेन आना है तो पेन रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से अलीबाग से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, तो आप वो वैसे भी आ सकते हैं। शिवाजी के बाद, और कोलाबा फोर्ट पानी के बीच में है, और उस समय पे वो लोग समुद्री सीमा की जो रक्षा थी वो भी यहाँ से करते थे, तो ये उनका सिक्योरिटी एरिया था। कैसा लग रहा है ये बीच? बहुत अच्छा, बाहर से लग रहा था पता नहीं कितनी भीड़ होगी अंदर, पर बीच इतना बड़ा है कि सब लोग दूर दूर हो गए, तो हम मजे से चल पा रहे हैं। हाफ के रहे क्योंकि जल्दी जल्दी चलना है वरना फोर्ट के पास पहुंचने से पहले ही सनसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टिकट दो तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो, स्कैन करके पे कर सकते हो, या फिर वहाँ काउंटर पे आप कैश देके टिकट ले सकते हो।
अलीबाग बीच और हम हैं फोर्ट पे। क्या सही सनसेट है यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो अभी हम घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाएंगे। चल मेरी धन्नो। ये क्या नाम है इनका दोनों घोड़ों का? उसका नाम क्या है? इसका शिव। शिव और इसका मंगल। मंगल। अलीबाग बीच पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कूटर राइड, यहाँ पे एटीवी राइड भी होता है, बनाना बोट राइड होता है। या इनफैक्ट आपको एक बहुत ही यूनिक जो हमने करा, घोड़ा राइड भी होता है जो आप घोड़ा आपको बीच से फोर्ट तक लेके जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मज़ेदार स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बीच, काफ़ी बड़ा बीच है, आपको होपफुली मज़ा आएगा यहाँ पे आके। इनफैक्ट यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह, बोटिंग, ये सब भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो नाउ यू सी, अगर आप पीछे देखोगे इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, इट्स सो अमेजिंग, वी जस्ट लविंग इट। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठे हैं हम, बस मन ही नहीं कर रहा जाने का। इट्स सच अ वंडरफुल वंडरफुल सनसेट। सो अगर आपको सनसेट देखना है, अलीबाग बीच एक अच्छा ऑप्शन है, सो डू कम देयर। तो अभी हम आए हैं द बैकयार्ड कैफ़े, ये है मेरे पीछे, इनका स्टे भी है यहाँ पे, एक होटल है एंड फिर नीचे कैफ़े है। तो हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे हमने स्टे किया था और हमें इनका खाना बहुत अच्छा लगा था, तो हम यहाँ पे डिनर के लिए आ गए। After dinner, we came back to our hotel and enjoyed the bonfire. तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। Good morning. अभी हम सुबह सुबह उठे हैं, चाय पी रहे हैं, थोड़ा सामने का व्यू एंजॉय कर रहे हैं।
तो देखते हैं अभी, इसके बाद हम शायद एक बीच है पास में वहाँ पे जाएंगे। हम जा रहे हैं नगांव बीच, जो हमारे होटल से 1.5 किलोमीटर दूर है, और सुबह सुबह जा रहे हैं तो आई होप वहाँ पे लोग भी कम होंगे और हम पानी में भी जा पाएंगे। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सो फाइनली वी आर एट नगांव बीच। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन बीच लग रहा है, मजा आ गया देख के। हम नगांव बीच आ गए और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि सन की वॉर्म्थ मिल रही है पीछे से और आगे से एकदम कूल ब्रीज आ रही है। बहुत साफ सुथरा बीच है और काफ़ी दूर तक जो है फैला हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आप यहाँ पर जब आओगे तो आप नीचे मिट्टी देखोगे, बड़ा खुश होगे और नंगे पैर चल सकते हो क्योंकि मिट्टी बहुत साफ है। चलो अभी हम चलते हैं अंशिता के पास, वो खड़ी है कहीं दूर पानी में मजे करती हुई। तो हम ब्रेकफास्ट करके रेडी होके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है मुरुड जंजीरा के लिए निकल चुके हैं। और ये हमारे स्टे से, जहाँ हमने स्टे किया वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट इसे 1.5 घंटा दिखा रहा है पहुँचने के लिए। तो हम ऑलमोस्ट मुरुड जंजीरा फोर्ट के पास पहुंच गए हैं, बट आगे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, वन वे रोड है, बस फंस गई है। हम 10-15 मिनट से यहीं पे एक जगह पे ही फंसे हुए हैं। होपफुली ट्रैफिक जल्दी से क्लियर हो जाए, बट अगर आप इस फोर्ट पे आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आइएगा क्योंकि हो सकता है आप भी इस तरह के जाम में फंस जाएं। तो मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने के लिए आपके कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं, उसमें से पहला है कि आपको 25 रुपये पर पर्सन की एक टिकट लेनी होगी जो आपकी फोर्ट की एंट्रेंस टिकट है। दूसरा है क्योंकि फोर्ट पर जाने के लिए आपको बोट यूज़ करना पड़ता है तो उसकी 60 रुपये की पर पर्सन टिकट है जो आपको लेनी होगी। और अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं या किसी और अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो उसकी पार्किंग टिकट है 80 रुपये, तो वो भी आपके वो पार्किंग टिकट आपको लेनी होगी। मुरुड जंजीरा फोर्ट के पास पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ बहुत लाइन है, अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा लाइन है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो और ज़्यादा लाइन में लगना चाहते हो तो प्लीज़ सुबह सुबह आएँ और आपको शायद कम भीड़ मिलेगी। यहाँ
पे आप आके आपको टिकट लेनी होगी बोट की भी फोर्ट की भी अलग से, तो वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना टाइम के हिसाब से निकल के आना। जाने के लिए भी वेटिंग है, वहाँ से आने के लिए भी वेटिंग है, सो आप ये मान के चलो कि 5-6 घंटे आपको आराम से टोटल लग सकते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं नींबू पानी, हम फोर्ट में तो नहीं गए बिकॉज पागलपंती है, बहुत भीड़ है, 4-5 घंटे कम से कम हमें और लगते, इतना वेट करने का हमें बिल्कुल मन नहीं था, तो अभी हम नींबू पानी पी रहे हैं, मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। सो अभी हम आए हैं काशीद बीच पे, ये अलीबाग का वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है, तो चलिए चलते हैं, पहले हम जाएंगे कहीं पे कुछ खाने, बहुत भूख लग रही है, लेट्स सी। अभी हमें काशीद बीच पे, इट्स अ वेरी वेरी नाइस बीच, बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत साफ पानी है और बहुत सारी फैमिलीज हमें यहाँ पानी में उछल कूद करते हुए दिख रहे हैं। हमारा बहुत मन कर रहा है पानी के अंदर जाने का और हम शायद जाने भी। सो अभी हम आए हैं कोरलाय बीच, ये बहुत ज़्यादा नोन बीच नहीं है बट बहुत ही सुंदर बीच है और सनसेट के लिए परफेक्ट बीच है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, दिस इज़ द बीच, बहुत ज़्यादा कोई टूरिस्ट नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है, तो अगर आपको ऐसा बीच पसंद है जहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा शांति से आप टाइम बिताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल एंड अ परफेक्ट सनसेट, अभी सनसेट होने वाला है, सो इट्स लुकिंग जस्ट अमेजिंग। कोरलाय बीच का एक लाइट हाउस भी है, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे अगर आप उस साइड बीच से, तो आप यहाँ पे आके किसी लोकल से पूछ सकते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ से भी अच्छा व्यूज़ आते हैं एंड इट्स समथिंग विच पीपल जनरली गो एंड सी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो आप कोरलाय बीच ज़रूर आए। आपको यहाँ पे शायद बहुत सारे शैक्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारी खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको एकदम सुकून भरा सनसेट देखने को ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ ज़रूर आए। और बहुत बहुत सुंदर बीच है ये, एकदम शांत, आप यहाँ पर सिर्फ पानी की आवाज़ और अपनी आवाज़ सुन पाएंगे। ये पीछे सनसेट हो रहा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स that I've seen in the last few years. तो अगर आपको sunset देखना है तो please you can come to the Kurlai beach. You'll love it. अभी हम आए हैं एक restaurant है जिसका नाम है इंदिरा restaurant. हमारे घर से करीबन 200 मीटर दूर है, तो काफ़ी अच्छा है, 4.3 रेटिंग है, तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं।
How is it? Very refreshing. ये देखो अंशिता जा रही है एकदम टमक टमक के, सामने हमारा होटल है, एकदम कल्चरल प्रोग्राम चल रहे वहाँ पे, अंशिता भी गाएगी वहाँ गाना। सो अभी आज हम निकल रहे हैं वापस टू बैक टू अवर होम। ये हमारी अमेजिंग प्रॉपर्टी जो पीछे आपको दिख रही है, वी हैड अ वेरी गुड स्टे हियर, इट वाज अ वंडरफुल टू नाइट्स। सो या हम घर वापस आ रहे हैं, तो कहीं भी घूम लें बट घर वापस जाने की भी खुशी बड़ी होती है, तो हम बहुत खुश हैं कि हम घर वापस आ रहे हैं। और बीच में जाते जाते हम कुछ और जगह भी जाएंगे जो हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। ये देखो अंशिता हमारी गाड़ी को चमचमाती हुई। सो अभी हम निकल रहे हैं, कुछ 9:30 बजे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने प्रॉपर्टी पे और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। एक रास्ते में एक बीच या प्रॉबेबली एक कैफे रुकते हुए जाएंगे, लेट्स सी। हम पहुंच गए हैं आवाज बीच, हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग पे और हम जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं फिर से एक अच्छा बीच देखने के लिए एंड होपफुली ये बीच भी बहुत साफ सुथरा होगा और हम पानी में जा पाएंगे। ये तो अगर आप थोड़ा शांति वाले बीच पे आना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा कुछ शोर शराबा ना हो, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह नहीं हो, बिल्कुल ऐसे ज़्यादा कुछ खाने पीने का सामान ये सब ज़्यादा नहीं बिक रहा हो, शैक्स वैक्स नहीं चाहिए आपको, तो आप इस बीच पे आ सकते हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा बीच है ये एंड आपको लोग भी मिल जाएंगे बट बहुत बहुत कम लोग होंगे, सो आप आ सकते हो इस पर आराम से। यहाँ पे अलीबाग में अगर आप आओगे तो बहुत सारे और बीचेस हैं जैसे कि बरसोली बीच, रेवदंडा बीच, कीहिम बीच, बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जो हमने नहीं कवर किए बट अगर आपको मन है तो कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे बीचेस हैं मोस्ट ऑफ देम। अभी हम जाएंगे एक कैफे, आवर लास्ट डेस्टिनेशन इन अलीबाग, फिर हम निकलेंगे बॉम्बे के लिए। तो करंटली अभी हम आए हैं बुद्ध कैफ़े, ये अवस बीच से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, काफ़ी अच्छी जगह लग रही है, आपको दिखाऊंगा। खाना हमने अभी वो कुछ ऑर्डर किया है, लेट्स सी वो कैसा है, बट ब्यूटीफुल प्लेस, गोवा जैसी वाइब है, आप आ सकते हो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।